हाय, दिस इज़ मनीषा सिंह। स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड गुड, एंड एग्ज़ाम की प्रिपरेशन भी आपकी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो आई हूँ आप सभी के बीच एक और ज़बरदस्त गवर्नमेंट जॉब की अपडेट को लेके, जो कि डायरेक्ट निकल के आ रही है बिहार फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से, एसआई यानी सब इंस्पेक्टर की न्यू रिक्रूटमेंट 2024 के रिगार्डिंग। फ्रेंड्स, ये वैकेंसी बहुत जल्द हम सभी के बीच आने वाली है। अगर पदों की बात की जाए फ्रेंड्स, तो आपका 350 से 600 यानी कि 350 to 600 के बीच में आपका सीट्स रहेंगे। ये वैकेंसी कंडक्ट कराई जाती है बिहार पुलिस सबऑर्डिनेट सर्विस कमीशन के थ्रू। आपको पता है बीपीएसएससी के थ्रू ये वैकेंसी कंडक्ट कराई जाती है। ये फ्रेंड्स ग्रुप सी की पोस्ट होती है, जिसके लिए ऑल इंडिया से मेल एंड फीमेल सभी कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं पोस्ट नेम। ऐसे तो आपने समझ लिया कि सब इंस्पेक्टर, लेकिन इसको वन पाल बोला जाता है। इसके लिए जो फॉर्म फी होती है ना फ्रेंड्स, जनरल ईडब्ल्यूएस बीसी एंड ईबीसी से 700 रुपीज़ ली जाती है। वहीं पर अगर आप एससी एसटी कैंडिडेट हो एंड फीमेल कैंडिडेट, इनसे 400 रुपीज़। बट फ्रेंड्स, जो एससी एसटी एंड फीमेल बिहार डोमिसाइल के हैं, उनसे 400 रुपीज़ लिया जाएगा। अदर स्टेट के कैंडिडेट आपको एज ए जनरल 700 पे करना होगा। अब हम लोग समझ लेते हैं कि एज की लिमिट क्या रहेगी। फ्रेंड्स, आपका एज जो है ना 18 वर्ष से 25 वर्ष के बीच होना चाहिए, मतलब 18 टू 25 ईयर्स होना चाहिए। रिलैक्सेशन भी मिलता है, बीसी एंड ईबीसी को 2 ईयर्स का एंड एससी एसटी को मिल जाएगा 3 ईयर्स का। क्वालिफिकेशन की अगर बात करूँ, सिंपली जिन्होंने 10+2 यानी कि इंटर पास बच्चों के लिए है, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ मेंशन की गई है कि 10+2 विथ साइंस, जिन्होंने साइंस लिया है। अब ये मैंडेटरी नहीं है कि जिन्होंने पीसीएम यानी फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथ्स लिया, जो बायो लिए हैं वो सभी बच्चे रहेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि सब इंस्पेक्टर की पोस्ट के लिए तो ग्रेजुएशन होता है। फ्रेंड्स, इसका पैटर्न थोड़ा अलग होता है, क्योंकि ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के तहत आई है। इसमें आपको एज का भी डिफरेंस देखने को मिला है। नॉर्मल एसआई के लिए 18 वर्ष से 37 वर्ष होता है, लेकिन यहाँ 18 वर्ष से 25 वर्ष है। और क्वालिफिकेशन भी इंटर पास है, लेकिन साइंस स्ट्रीम के साथ। अब देख लेते हैं कि सिलेक्शन की प्रोसेस क्या होगी। फ्रेंड्स, आपका सिलेक्शन 4 स्टेज से गुजरने के बाद होता है। पहले स्टेज पर रिटन एग्जाम होता है, फिर आपका फिजिकल होता है, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर मेडिकल होगा, उसके बाद ज्वाइनिंग लेटर दे दिया जाएगा। और फ्रेंड्स, अगर इससे रिलेटेड और भी जानकारी आपको नोटिफिकेशन वगैरह डाउनलोड करना हो, तो वो आपको मिलेगा मेरे टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है, आप वहाँ पर जाके मुझे फॉलो कर सकते हो। चलिए, फिलहाल तो हम लोग सिलेक्शन की प्रोसेस को डिस्क्रिप्टिव वे में समझ लेते हैं। फ्रेंड्स, आपका जो फर्स्ट स्टेज पे एग्ज़ाम होता है, ऑफलाइन एग्ज़ाम होता है, रिटेन एग्ज़ाम पेन एंड पेपर मोड में होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे, ओएमआर सीट पे लिया जाएगा एग्ज़ाम। 100 क्वेश्चंस होंगे 400 मार्क्स के लिए, विच मीन्स पर क्वेश्चन 4 मार्क्स मिलते हैं। समय जो होता है ना 2 आवर्स यानी कि 2 घंटे का होता है। अब सब्जेक्ट वाइज अगर बात करूँ, जनरल नॉलेज के 15 क्वेश्चंस होंगे, मैथ्स एंड रीजनिंग के 15 क्वेश्चंस होंगे, साइंस में फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी तीनों को कंबाइन करके 50 क्वेश्चंस होंगे। उसके बाद आपका लैंग्वेज पेपर में हिंदी और इंग्लिश को कंबाइन करके 20 क्वेश्चन, मतलब 10 क्वेश्चन हिंदी के और 10 क्वेश्चन इंग्लिश के। तो दिस इज ओवरऑल एग्जाम पैटर्न। आफ्टर क्वालिफाइंग दिस, यू हैव टू क्वालिफाई द फिजिकल टेस्ट। तो फिजिकल की क्राइटेरिया क्या है, आइए मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। फ्रेंड्स, फिजिकल जो होता है ना, सबसे पहले उसमें आपका हाइट मेजरमेंट होता है। फॉर मेल कैंडिडेट 165 सेंटीमीटर मिनिमम हाइट है, एससी एसटी कैंडिडेट के लिए 160 सेंटीमीटर रहेगा। फीमेल्स के लिए 160 सेंटीमीटर मिनिमम हाइट है, और एससी एसटी वालों के लिए 155 सेंटीमीटर। चेस्ट की जो रिक्वायरमेंट है ओनली फॉर मेल कैंडिडेट्स 81 to 86 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन होना चाहिए। बट फॉर एस सी एस टी कैंडिडेट 79 to 84 सेंटीमीटर होगा। उसके बाद आपका वॉकिंग का टेस्ट होता है, वन विभाग का है, तो वहाँ पर आपको काफ़ी पैदल चलना होगा, तो उसका परीक्षण किया जाता है। तो फॉर मेल कैंडिडेट 25 किलोमीटर यानी 25 किलोमीटर की वॉकिंग होगी, 4 आवर्स में कंप्लीट करना होगा। फीमेल्स को 14 किलोमीटर की वॉकिंग 4 आवर्स में कंप्लीट करना होगा।
तो जब आप फिजिकल क्वालिफाई करेंगे तो आपका मेडिकल होगा, डीवी होगा, उसके बाद ज्वाइनिंग लेटर दे दिया जाएगा। एग्जाम सेंटर की बात करूं तो बिहार के विभिन्न जिलों में जो एग्जाम सेंटर होगा वहां पर आके आपको एग्जाम देना होगा। पोस्टिंग भी बिहार में ही होगी। तो पोस्टिंग होने के बाद सैलरी क्या मिलती है, चलिए मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। सैलरी की शुरुआत होती है 35,400 से आफ्टर पर्क्स अलाउंसेस एंड पर ईयर जो आपकी सैलरी में वृद्धि होती है, उसके बाद आपकी सैलरी 1,12,400 के करीब हो जाती है। तो बाकी सब कुछ तो डिटेल आपने समझ लिया। अब मेन टॉपिक ये आता है कि अप्लाई का डेट क्या रहेगा। फ्रेंड्स, आपको पता है कि अभी चुनाव का समय चल रहा है, जैसे ही चुनाव खत्म होगा सारा इसका डिटेल वगैरह बता दिया गया कि बहुत जल्द वैकेंसी आएगी। तो अनुमानित ये हम लोग अनुमान कर सकते हैं कि जून जुलाई में ये वैकेंसी आ जाएगी। पहले से बताने का मोटिव ये होता है कि आप अपनी तैयारी की स्पीड को अच्छे से कर पाओ, जो भी इसका जानकारी है सब आपको पहले से मिले तो तैयारी अच्छी कर पाओ आप। आई होप इसके रिगार्डिंग सारी डिटेल आप समझ पाए होंगे। अब भी कोई डाउट है तो कमेंट करके क्लियर कर लेना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑल पे सेट करके जाना ताकि सारी नई जॉब अपडेट की वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलूंगे फिर से किसी जॉब की अपडेट के साथ। टिल देन स्टे ट्यून, बाय बाय, टेक केयर।